गुजरात शहर में रामतलाई चौक में पेंट बेचने वाले ताजिर की दुकान में डकैती की वारदात। मुलजिमान के हुलिये कैसे थे और डाकू जाती दफा सीसीटीवी कैमरे चलाने वाले नेटवर्क भी क्यों ले उड़े। डकैती की वारदात का मुकम्मल अहवाल देखिए आवाज न्यूज पर आकाश न्यासी की इस रिपोर्ट में। आवाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्यासी। गुजरात के थाना लारी अड्डा के करीब जो है डकैती की एक वारदात जो है सेट कलर पर वकुआ पजीर हुई है। इस हिसाब में पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए उसका मुकदमा नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। ये वारदात कैसे पेश आई, मुलजमान यहाँ से क्या कुछ डकैती करके ले गए, ये सारी कहानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर अजाज सईद। जी अजाज साहब, ये क्या वाकया हुआ? ये साहब तकरीबन वाकया इस तरह हुआ, वो तीन मुलजमान थे, एकदम अंदर घुसे हैं और उन्होंने ना वो गन पॉइंट पे ना हमें वो एक साइड पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारा ना ये गला वगैरह तोड़ के सारा कुछ वो नकदी 2 लाख रुपया निकाल लिया। इसके अलावा वो हमारे मोबाइल वगैरह भी हाथ लगाते रहे हैं। मैंने कहा यार मोबाइल ना लेके जाओ, इसमें मेरी कोई पार्टी नंबर है, ठीक है ना, भी बनेगी। मोबाइल छोड़ गए, मोबाइल वो छोड़ गए हैं। वो ना जाती दफा हमारा वॉलेट था, उसमें से तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया उसमें था, ठीक है। 2 लाख रुपया गले में था, कोई पर्ची और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे हमारे। अच्छा, हमने देखा यहाँ तो कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी तो क्या बना हुआ वो सर? वो रिकॉर्डर वो जो था ना हमारा डीवीआर, वो जाती दफा वो भी साथ ले गए। अच्छा, डीवीआर भी साथ ले। तो क्या शक्लें थी, क्या किस तरह की उम्र थी? तकरीबन वो यंग थी, यंग मैन थे तकरीबन। अच्छा, वो शलवार कमीज थी या शलवार कमीज थी उनके? शलवार कमीज। हां, कैप्स वगैरह उन्होंने पाई हुई थी सारी। अच्छा, पहनी हुई थी। मास्क वगैरह लगाए हुए थे। मास्क, मास्क लगाए। अच्छा, अब यकीन वारदात के बाद मुकदमा तो नामालूम मुल्जमान के खिलाफ दर्ज हो गया, तो क्या मुतालबा करते हैं आप डीपीओ गुजरात से? सर मैं खुसूसी तौर पे ये अपना एसएचओ राय फयाज साहब का ममनून हूं कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए तकरीबन मुलजम उन्होंने कहा जी मैं पकड़ूंगा और अपना दोबारा उन्हें एफ आई आर वगैरह दर्ज कर लिया। इंशाल्लाह मैं ये सारा लारी अड्डा पुलिस का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने वो खुदी इंटरेस्ट लेके ना हमारे मुलजम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नासरीन, बिला शुबा डी पी ओ गुजरात उमर सलामत की क्यादत में गुजरात पुलिस जो है डाकू चोरों की बेहकनी के लिए तो दिन रात कोशा है। इस तरह अजाज सईद का भी कहना है कि हमारा मुकदमा फौरी दर्ज कर लिया गया और इनको इस बात की तसल्ली भी दी गई है, यकीन दहानी करवाई गई है कि इनके मुलजमान फौरी ट्रेस करने के बाद जल्द गिरफ्तार भी कर लिए जाएंगे। आवासियों से मैं हूँ आकाश न्यास। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।